आपके अपने चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम बना रहे हैं मिक्स दाल हलवा। जी हाँ, आपने मूंग दाल हलवा बनाया, उड़द दाल हलवा बनाया, चने की दाल का हलवा भी बनाया, लेकिन मिक्स दाल हलवा बनाया कभी नहीं ना। तो चलिए आज हम बनाते हैं मिक्स दाल हलवा, जिसमें तीनों का स्वाद और पोषण एक साथ और खाने में इतना मज़ेदार कि बस आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे, और सर्दियों में तो ये वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, तो फिर देर किस बात की। चलिए बनाते हैं हमारा मिक्स दाल हलवा। इसके लिए हम लेंगे ये मिक्स दाल आटा, और साथ में जितना आटा लिया उतनी हमने चीनी ली है, और फिर ये 5-7 बादाम है जिनको कि हमने मोटे मोटा कतर लिया है, काजू टुकड़ी है, और ये किशमिश, ये दोनों में दो बड़े चम्मच लिए हैं, और ये केसर है 8-10 तार हमने भिगो दिए हैं ताकि इसका कलर छोड़ दें, और ये 2 बड़ी इलायची है, हरी इलायची नहीं, हमने एक बड़ी वाली इलायची ली, उसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है, और साथ में लिए हमने 7-8 पिस्ते जिनको भी हमने कतर लिया है। ये मिक्स दाल आटा जो हमने लिया है इसके लिए, उसमें हमने चना दाल, मूंग दाल और उड़द दाल तीनों को बराबर मात्रा में लेके हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। ये देख लिया, एकदम मोटा मोटा दरदरा सा हमने पीसना है, एकदम बारीक इसे नहीं करना है, बस इस तरह इनको पीस के हमें ये आटा मिल जाएगा। ये हमने कढ़ाई रखी और गैस ऑन कर दिया, और अब इसमें हम डालेंगे घी, और जितना हमने आटा लिया है ना उतना ही हमें घी लेना है, यानी कि 1 कटोरी उसमें आटा लिया था हमने, आधा कटोरी घी लेने, क्योंकि घी पिघल के ज़्यादा हो जाता है। ये हमने आधा कटोरी घी ले लिया है, आवश्यकता हो आप ज़्यादा पसंद करते तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, बस ये घी थोड़ा हमारा पिघल जाए। ये अब इसमें हमने ये हमारा दालों का बेसन, आटा, कुछ भी कहिए, वो हम इसमें डाल देते हैं, और अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये आपको ये दिख रहा है ना काला काला, आपको लग रहा है ये क्या है, कैसी दाल है। जी ये बिल्कुल उड़द की और मूंग की असली दाल है जो कि मैंने घर में बनाई है, और उसका छिलके निकालते हुए क्या है कि घर में पूरे छिलके अच्छे से नहीं निकल पाते हैं, थोड़े थोड़े रह जाते हैं, बस वही छिलके इसमें हल्का सा ये कालापन काले काले ना दिख रहे हैं, वरना ये खाने में बहुत टेस्टी होती है घर की दाल, क्योंकि ये बिना पॉलिश की होती है और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से शुद्ध बनाई रहती है। जाहिर सी बात है ना, घर की चीज़ों का स्वाद तो अच्छा होता ही होता है। बस अब इसको हम मध्यम आंच पे हिलाते हुए भून लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, और हम इसको एकदम मोटा मोटा दरदरा सा पीसा है ताकि ये इसका दाना अच्छा सा खिला रहे। ये देखिए हमारी दाल थोड़ी थोड़ी रंग बदलने लगी है, लेकिन अभी तक इसकी भुनाई थोड़ी बाकी है। इसका जब सुनहरी रंग हो जाएगा ना तब तक हमें इसे भूनना, ये देखिए अभी तो काफ़ी कसर है ना। चलिए होने देते हैं आराम से, क्योंकि जितनी मध्यम आंच पे भुनाई होगी उतना ही इसका स्वाद खुल के आएगा, वरना ऊपर ऊपर से तो लाल हो जाती है और अंदर तक सिकाई नहीं होती, मज़ा नहीं आता, उसका दाना खिलता नहीं है। तो बस अब इसे हिलाते हुए आराम से पकने देंगे, भुनने देंगे। ये देखिए हमारा एकदम सुनहरी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ये पानी हमने पहले से गर्म कर रखा है। ये हमने इसका 2.5 गुना पानी इसमें डाला है, और अब इसे हम पकने देंगे, और पानी इसमें गर्म ही डालना है ताकि इसका दाना बैठे ना। और ये अब इसे धीमी धीमी आंच पर हम होने देंगे, अच्छा सा उबाल आ गया। अब इसे हम आंच कम करके ढक देंगे, और ढकने से पहले हम इसमें ये किशमिश डाल देंगे ताकि ये फूल जाए, ये, और अब इसे मध्यम आंच पे ढक देंगे ताकि हमारा दाल का जो मोटा दाना है ना वो अच्छे से फूल जाए, ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले। अभी हम एक बार इसे हिलाकर देख लेते हैं, ये देखिए, ये अब इसे वापस हम बंद कर देंगे, ढक देंगे, वापस होने देंगे,
क्योंकि एक बार हिलाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने किशमिश डाली थी ना, वो फिर नीचे लग जाएगी। बस अब इसे 2 मिनट वापस होने देते हैं, जब तक ये हमारा पूरा पक ना जाए। कि हमारी दाल अच्छे से सिक गई है, पूरा पक गया। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। ये हमने चीनी डाली, और हाँ, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम डालेंगे ये हमारे काजू, और साथ में ये बादाम, ताकि ये भी अच्छे से इसमें हो जाए। और अब हम इसे खुली आंच पे ही होने देंगे, ताकि इसकी चीनी का जो पानी हुआ है, चीनी ने पानी छोड़ा है ना, वो भी थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए इसमें और रिड्यूस हो जाए, ताकि हमारे हलवे की कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी हो जाएगी। तो बस अब इसे होने देते हैं, वरना बीच बीच में चलाना ज़रूरी है, वरना लगने का डर रहेगा। ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। आपको लगेगा ना ये इतना नरम है, लेकिन ये दाल है ना, 5-7 मिनट के बाद इसको सोख लेगी और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे हमारे पिस्ते, ये इलायची पाउडर, कुटी हुई इलायची पाउडर नहीं है, थोड़ा मोटा है, और ये रह जाएगी हमारी इसमें केसर। बस ये इसको अच्छे से मिक्स किया और ये तैयार। अब इसे हम कुछ देर के लिए, करीब 5-7 मिनट इसे ढक के रख देंगे, ताकि ये अच्छे से हो जाए, और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये 5 मिनट हो गए, हम इसे खोल के देखते हैं कि क्या हाल है इसके। ये देखिए कितना शानदार तैयार हो गया है, मस्त दानेदार। तो बस अब हम इसे परोस लेते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार हो गया, इतना देख के इतना शानदार लग रहा है ना, तो खाने में तो होना ही होना है मज़ेदार। ये देखिए बस इसी तरह परोसिए, खाइए और खिलाइए, और सर्दियों में सेहत बनाइए। अब इसके ऊपर हल्के से हम पिस्ते बादाम की बारीक कतरन बुरक देंगे, ताकि ये और भी सुंदर दिखे। ये और साथ में डालेंगे हम जरा सी ये केसर, ये भी हमें ऊपर लगा देंगे। बस ये हमारा मज़ेदार हलवा तैयार हो गया है।